अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे और खूब मज़े से गार्डनिंग कर रहे होंगे। समर वेजिटेबल लगाने का सीज़न है, बल्कि थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ। मुझे सीड शॉप पे कुछ डिफरेंट टाइप के सीड्स मिले। वैसे तो मैंने समर वेजिटेबल्स लगा ली हुई हैं, लेकिन मैं वहाँ गई थी तो मुझे कुछ पम्पकिन के डिफरेंट तरह के सीड्स मिले। कुछ अजीब अजीब से नाम थे उनके। ये देखें, ये भी एक पम्पकिन है। बहुत छोटे छोटे इसके सीड्स हैं, हालांकि पम्पकिन के बहुत बड़े बड़े सीड्स होते हैं। इसके थोड़े से छोटे हैं और इसकी शक्ल भी बड़ी अजीब सी थी। मुझे इसकी पिक्चर नहीं मिली, वरना मैं आपको दिखाती। तो ये ना, मुझे बहुत शौक़ है कि मैं कुछ डिफरेंट तरह की भी वेजिटेबल लगाऊँ, उस पर भी एक्सपेरिमेंट करूँ, और सारे गार्डनर्स को होता है। तो इसके लिए मैंने पॉट जो तैयार किया, उसमें मैंने गार्डन सॉइल और बहुत थोड़ी सी गोबर खाद। पम्पकिन को ज़्यादातर गोबर खाद की ज़रूरत होती है, तो बहुत थोड़ी और पुरानी गोबर खाद मैंने इसमें ऐड किया, और कंपोस्ट है, और ये थोड़ा सा मैंने ये डाला है इसमें कोकोपीट। तो इस सबको मैंने मिक्स करके दोनों पॉट्स, इसके 18 इंचेस का पॉट मैंने लिया है। मैं क्योंकि इसकी पनीरी नहीं बना रही, इसको मैं डायरेक्ट ही लगाऊंगी। तो इसको मैंने सीड्स को 3 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। ये आपको देखें थोड़ा सा लग रहा होगा सॉफ्ट हुए में, इससे इसकी जर्मिनेशन सॉफ्ट जल्दी हो जाती है। तो अब मैं ये स्पॉट के अंदर लगाने लगी हूँ, और इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी ऐड करूँगी। सिनेमन पाउडर इसको एक तो इंसेक्ट से बचाएगा, और दूसरे इसकी जर्मिनेशन भी तेज़ होगी। ये मैं इसके अंदर लगा के, आप एक सीड इसके अंदर लगाऊंगी। ये एक सीड को आपने इस तरह थोड़ा सा हाफ इंच तकरीबन डीप करके इसमें लगाना है, और एक सीड इसमें लगाने लगी। और हम इसको कोकोपीट से हम इसको कवर कर देते हैं, और वैसे तो समर सीज़न वैसे ही गर्म होता है, लेकिन मैं इसको कवर करूंगी इससे बटल से, ताकि इसकी जर्मिनेशन तेज़ हो जाए। और अब देखते हैं कि ये कितने दिन में जर्मिनेट होता है। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही लगाने लगी हूँ, आपके साथ साथ मैं भी देखूंगी कि कैसे ये जर्मिनेट होता है और कैसे इसकी ग्रोथ होती है। तो चलें देखते हैं। ये देखिए, मेरे जो दोनों पम्पकिन के प्लांट्स हैं वो दोनों ही जर्मिनेट हो गए हैं। मैंने इसको अब अनकवर कर दिया, ताकि ये गर्मी भी बहुत होना शुरू हो गई है, तो ये ख़राब ना हो। तो इसलिए आप ये देखें, इसकी अच्छी है, खूबसूरत पौधे निकल आए हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मुझे खीरे जैसे पौधे लग रहे हैं। लेकिन देखते हैं अब ये कैसे, इसकी क्या निकलता है और कैसी इसकी ग्रोथ होती है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा निकला हुआ है, और मैं अभी इसे कोई ऐसी चीज़ एडिशनल नहीं डाली। बस मैंने पानी में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिला के इसमें ऐड किया था, और कुछ भी नहीं। बस सुबह के टाइम आप इसको पानी दे दें, सुबह सुबह पानी देना अच्छा होता है। शाम को फिर इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, और बाकी साथ साथ जैसे जैसे ये बड़ा होगा मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती ही रहूँगी। मेरी जो पम्पकिन की ये बेल है, तकरीबन 20 दिन की हो गई है, और काफ़ी अच्छे इसके पत्ते निकल आए हैं। अब मैंने इसको डायरेक्ट धूप में रख दिया, क्योंकि जब छाँव में पड़ा होता है तो इसको कीड़े शीड़े भी अटैक कर देते हैं। तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आती रहे। 5-6 घंटे की धूप ही काफ़ी होती है। और इसकी जो फर्स्ट ये टिप है, इसको आप उतार दें, ताकि इसकी मल्टीपल ब्रांचेस भी बन जाएं। और बाकी जो है, इसको साथ साथ में आपको सुबह पानी का ज़रूर ख्याल रखें। सुबह के टाइम पानी दें, और आप इसकी मल्चिंग भी ज़रूर कर दें। अगर आपके पास एगशेल्स हैं, या पुरानी कोई पत्ते हैं, या किसी भी चीज़ से आप गत्ते के छोटे लेकिन ऐसे गीले जो पत्ते होते हैं, ग्रीन वाले लीफ, वो ना डालें, क्योंकि उसके नीचे से चींटियाँ जो होती हैं वो घर बना लेती हैं, और वो डैमेज करती हैं प्लांट्स को। बाकी आप देखें, मैंने एगशेल्स हैं मेरे पास, ये डाल दिए हैं, और अभी किसी फर्टिलाइज़र की ऐसी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो पम्पकिन की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो हैवी फीडर्स होती हैं, तो उनको आप कभी कभी 15 दिन के बाद कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दें, कंपोस्ट डाल दें, ताकि वो उनकी हेल्दी ग्रोथ हो। और बाकी जैसे जैसे ये निकलता रहेगा, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये जुलाई का स्टार्ट हो गया अब, और तकरीबन इसको 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो आप ये देखें इसका कितना खूबसूरत फ्रूट बन गया है। बहुत ही हेल्दी और बड़ा सारा साइज़ है इसका। इतने छोटे से पॉट में भी इतना बड़ा फल बन गया, ये बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। बस मैं इसे एक गलती हो गई कि मैंने इसकी जो बेल है इसको ऊपर चढ़ा दी, इसके ऊपर स्टिक के ऊपर। जब ये फ्रूट बना तो इसका वेट भी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसकी वजह से बिल्कुल नीचे लटक गया था और ऐसा लग रहा था जैसे बेल भी टूट जाएगी। तो इसको मैंने ये स्टिक लगा दिया ताकि इसका जो वज़न है इसको बर्दाश्त कर सके और ये टूटे भी ना। तो आप अगर इसको, जैसे ये फ्रूट लगता है तो आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी ऊपर ना चढ़ाएं क्योंकि हैवी होने से ये टूट भी सकता है। और अब जब ये छोटा था, ये बेबी फ्रूट था, तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, मेरी कुछ मसरूफियात थी उसकी वजह से। तो मैं आपके साथ पिक्चर इसकी ज़रूर शेयर कर दूंगी। जब ये छोटा होता है, फल बनना शुरू हो जाता है, तो आप इसको फर्टिलाइज़र ज़रूर दे दें क्योंकि ये बहुत हैवी फीडर्स होते हैं। जितने भी पम्पकिन की फैमिली होती है उनको खूब फीडिंग की ज़रूरत होती है। तो आप उस टाइम बोन मील कभी 10 दिन के बाद और 10 दिन बाद आप ब्लड मील डाल दें, या फिर आप सीवीड फर्टिलाइज़र ज़रूर इसको दे दिया करें। ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है, ये देखिए आपको किसी भी सीड शॉप से ये मिल जाता है। मुझे इस दफ़ा ये पाउडर फॉर्म में मिला है, वैसे ये लिक्विड में भी मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो इसको ये आप, जैसे ये छोटा सा स्पून है, आप एक स्पून भर के आप पानी में इसको हल करें और इसको पानी में डाल दें, पानी में मिला के इसको पानी दे दिया करें वो वाला। तो ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इससे फ्रूटिंग जो बनती है, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि फूल बनते हैं, छोटे छोटे फल लगते हैं और गिर जाते हैं, तो ये उसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तब ये बहुत अच्छा काम करता है और फ्रूटिंग में बनने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप ये दे दें, वरना आप अगर ये सब कुछ नहीं भी दे सकते तो आप थोड़ी सी पुरानी गोबर खाद लेके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वो दे दिया करें 15-20 दिन बाद, क्योंकि पम्पकिन को बहुत हैवी फीड की ज़रूरत होती है। तो अब देखें मेरा इतना खूबसूरत माशाल्लाह बन गया। अब मैं इसको अभी फ़िलहाल तो नहीं इसको हार्वेस्ट करूँगी क्योंकि ना ये अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और इसे टाइम चाहिए। तो लेकिन मैं इसकी जो भी अपडेट्स थी वो आपको बताती रही हूँ साथ साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपको हेल्पफुल भी लगा होगा। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके बारे में। और मुझे प्लीज़ लाइक कर दिया करें, प्लीज़ और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और मुझे दुआओं में भी याद रखें। और आप सबके लिए भी ढेरों दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।